हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार ग्वालियर जिले में यातायात व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस काफी सख्त रवैया अख्तियार किए हुए हैं। लगातार तीसरे दिन भी शहर के चौराहों पर चेकिंग जारी रही, जिसमें दो पहिया और चार पहिया वाहनों के बड़ी संख्या में चालान काटे गए। वहीं कुछ वाहनों को जब्त भी किया गया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार मध्य प्रदेश की यातायात पुलिस ने ट्रैफिक सुधारने के लिए 50 दिन का अभियान चला रखा है, जिसके तहत दो पहिया वाहनों पर हेलमेट न लगने पर, सीट बेल्ट न पहनने वाले और यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जन जागरूकता मिशन ही यहां पर चलाया जा रहा है, जिससे सभी लोग यातायात नियमों का सही तरीके से पालन करें। जैसा होता है शहर में लगातार 50 दिनों तक जो चेकिंग अभियान है वो जारी रहेगा। उसी चेकिंग अभियान में माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं एडिशनल SP श्री ऋषिकेश मीना सर के हमें मार्गदर्शन में कुछ पॉइंट मिले हैं, जिनमें निजी वाहनों पर शासकीय वाहन लिखा हुआ या निजी वाहन पर कुछ भी अन्य शब्द जो लिखे हुए हैं उनके ऊपर आज हम लोग को विशेष रूप से चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन पर आज चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसमें हेलमेट, सीट बेल्ट और साथ ही नंबर प्लेट, जिनमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, जो दो पहिया वाहन सवार हेलमेट नहीं लगाए हुए उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की गई है। साथ ही चार पहिया वाहन जो सीट बेल्ट का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर भी चालानी कार्रवाई की गई है। साथ ही जन जागरूकता के लिए सभी लोगों से अपील भी की जा रही है अलग अलग माध्यमों से, पेट्रोल पंप संचालकों से, कि अपना जहां भी पेट्रोल वगैरह देते हैं तो वो हेलमेट वगैरह का लोगों में जन जागरूकता का प्रसार करें। आज करीब करीब 70 से 80 वाहनों की चालानी कार्रवाई की जा चुकी है और लगातार पिछले 4-5 दिनों से प्रतिदिन 250 से 300 वाहन चालकों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कितने चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं शहर में? 10 से 12 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। गोले का मंदिर, फूलबाग, नदी गेट, इंदरगंज, विवेकानंद तेरा, ऐसे करके 12 से 15 स्पॉट पर कार्रवाई की जा रही है।